न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पतेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज शो बात पतेगी। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। जम्मू से हरियाणा तक पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी और कहा हरियाणा में एमपी राजस्थान की तरह गुब्बारा फूटेगा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण पर सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन, हटाई गई 14 मस्जिदें। जी न्यूज से बोले गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी, अतिक्रमण नहीं करेंगे बर्दाश्त, कांग्रेस ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। 26 नवंबर से पहले कराए जाएंगे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी। और इसराइल के हमले में मारा गया हिजबुल्ला चीफ हसन नसरला। बेरूत में इजरायली डिफेंस फोर्स के एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर। नसराला के भाई को बनाया गया चीफ और ईरान को भी नेतन्याहू की खुली चुनौती। सबसे पहली खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचे। वहां एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्ष पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार फले फूले, यहां की जनता के हिस्से तो सिर्फ तबाही आई। उन्होंने कहा कि यहां की जो पीढ़ियां बर्बाद हुई इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। जम्मू की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया और कांग्रेस को निशाने पर लिया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है जबकि 3रे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जिसके लिए सभी पार्टियों का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। जम्मू कश्मीर में 3रे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दलों के नेता धुआंधार प्रचार करने में जुट गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जम्मू के बिश्नाह में एक सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आज भयंकर बेरोजगारी है यहाँ जम्मू में, 65% सरकारी पद खाली हैं। आप यहाँ बेरोजगार खड़े हो नौजवान, हाथ उठाकर अगर मैं पूछूं कि किस किस को सरकारी नौकरी मिली है, आप सब बोलेंगे नहीं मिली है। तो वहीं लोलाब में एक सभा के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि इस बार बीजेपी की हार तय है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, 8 अक्टूबर का इंतजार करिए, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट खुद अपनी सीट नहीं बचा पाएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 3रे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और सभी पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। हाथ बदले का हालात नाम से जारी इस वादा पत्र में कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए। चंडीगढ़ में जारी घोषणा पत्र कार्यक्रम के दौरान भूपिंदर सिंह हुड्डा समेत तमाम बड़े कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र को 2 फेज में तैयार किया है। पहले चरण में 15 गारंटियां शामिल की गई थी। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 25 लाख तक का इलाज निशुल्क, महिलाओं की समस्याओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, छात्राओं के लिए मुफ्त पिंक मिनी बस और पिंक ई रिक्शा की सुविधा, किसानों के लिए किसान आयोग का गठन, MSP की कानूनी गारंटी, 2 लाख सरकारी नौकरियों जैसे वादे शामिल हैं। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के वादों और 10 साल के शासन पर निशाना साधा। आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। बीजेपी खाली बिना तथ्यों के बात करती है, बिना आधार के बात करती है। हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग है जबकि 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। झूठों का पुलंदा,
कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के नेता धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज हरियाणा में हुंकार भरी। फरीदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश में सभी समस्याओं की जड़ कांग्रेस पार्टी है। वो आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो के नेता नहीं चाहेंगे कि प्रदेश में विकास हो, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार जरूरी है। देश की एकता अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, एक विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। जहां तक एक तरफ सीएम योगी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस ने ये दावा किया कि बीजेपी कुछ भी कर ले, इस बार उसकी हार तय है। जनता चुनाव लड़ रही है हरियाणा की, और उसने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को वापस लाएगी, और भाजपा की स्थिति तो ये हो जा रही क्या डबल डिजिट में पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया और विरोधियों पर निशाना साधा। आप ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना, तो ना राम मंदिर टूटता, ना जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा बुलाने का ढांचा खड़ा होता और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसी साल जनवरी में हुई थी, जिसका कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों ने बहिष्कार किया था, लेकिन एक बार फिर हरियाणा के चुनाव में इसकी चर्चा छिड़ गई है। और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर टिप्पणी की। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, ये रियलिटी आपकी। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर सियासत तेज हो गई और बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। जिनकी तीन तीन पीढ़ियों ने जाकर बाबर की कब्र पे सजदा किया है, वो आकर तीन तीन प्रकार से श्री राम जन्मभूमि का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपकी असली फितरत और हिंदू धर्म के प्रति हकारत की साफ वानगी है। राहुल गांधी के इस बयान पर संतों में भी नाराजगी है। अयोध्या के संतों का कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही है और राम मंदिर के निर्माण में जोड़े अटकाने का काम किया। कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है, साधु संत के विरोधी रहे, उनको पच नहीं रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है राम मंदिर का निर्माण, इसके नाते। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बड़ी जानकारी दी। ईसीआई के मुताबिक 26 नवंबर से पहले महाराष्ट्र में चुनाव कराए जा सकते हैं और विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज की जा सकती हैं। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करने से पहले दिवाली, देव दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर विचार करने के लिए कहा है। 2288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ व्हिच एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर 25 and SC constituencies are 29. The term of the Maharashtra Legislative Assembly is ending on 26th of the November. गुजरात के गिर सोमनाथ में मंदिर के पीछे सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण को हटाने के लिए देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। देर रात शुरू हुआ यह ऑपरेशन दिन में भी जारी रहा और अधिकारियों की देखरेख में अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए 55 से ज्यादा बुलडोजर मंगवाए गए, जबकि मलबा हटाने के लिए करीब 70 ट्रैक्टर वहां मौजूद रहे। साथ ही वहां सुरक्षा के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया, जिसके बाद एक एक कर बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पीछे अतिक्रमण के खिलाफ देर रात शुरू यह ऑपरेशन दिन में भी जारी रहा।
मध्य रात्रि से ही पुलिस के द्वारा धीरे धीरे करके जो अपना काम है वो आगे बढ़ाया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो विवादास्पद स्थल है वहां तक जाने के लिए प्रवेश बंदी अभी शुरू की है, तो यहाँ से कोई भी जो सिविलियन है वो आगे नहीं जा सकता। हालांकि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों ने कार्रवाई रोकने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने लोगों को वहां से किसी तरह से हटाया और कार्रवाई फिर से शुरू की गई। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके, जबकि पुलिस की निगरानी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम जारी रहा। और अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए सबसे बड़े ऑपरेशन के तहत 15 हेक्टेयर जमीन खाली करवा ली गई। सोमनाथ मंदिर के आसपास बनी 14 अवैध मस्जिद भी हटाई गई। इस दौरान हंगामा करने वाले 130 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जी न्यूज के एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉन्क्लेव में मेहमान बनकर आए गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोमनाथ में अतिक्रमण के खिलाफ ऑपरेशन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सोमनाथ के आसपास में कहीं पे भी सरकारी जगहों पे, चाहे वो कोई भी धर्म के एंक्रोचमेंट हो, तो वो हटानी हमारी जिम्मेदारी है और वही काम हम कर रहे हैं, अभी काम चालू है। जानकारी के मुताबिक सोमनाथ मंदिर के आसपास का ये क्षेत्र आने वाले समय में विकास योजनाओं का हिस्सा बनेगा और ये कार्रवाई उसी के तहत की गई। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जमीन हड़पने की साजिश जारी है। आरोप है कि ये घुसपैठिए पहले लड़कियों पर बुरी नजर रखते हैं और फिर उनसे शादी करके जमीन हथिया लेते हैं। कुछ ऐसा ही मामला प्रदेश के साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ के बाद जमशेदपुर में भी सामने आया, जहां दावा किया गया है कि घुसपैठियों ने लड़कियों को हथकंडा बनाकर जमीनें हथिया ली, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इसके लिए राज्य सरकार को घेरा। बगैर जांच किए इस तरह की बातें कहना कि घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए के मामले में तो संथाल परगना में इतना ही ध्यान में रखा जाए कि कितने लैंड रिकॉर्ड्स कहते हैं जमीन और कितने पे पोजीशन है और किसका पोजीशन है। अर्जुन मुंडा ने यह आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में जनता के साथ भारी अन्याय हो रहा है और सरकार लगातार जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी रेस्टोरेंट मालिकों के नाम लिखने पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। नेम प्लेट को जरूरी बताने वाले मंत्री विक्रमादित्य सिंह को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली तलब कर लिया, जहां कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की नीतियों का पाठ पढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी लाइन के साथ हिमाचल का विकास भी जरूरी है, जिसकी जानकारी उन्होंने हाईकमान के सामने रख दी। देश के किसी भी कोने से कोई भी हिमाचल में आ सकता है, उनका स्वागत है, मगर निश्चित तौर से प्रदेश की जो आंतरिक सुरक्षा है, प्रदेश की जो लोगों के स्थानीय लोगों के कंसर्न्स है, उसका ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है। विक्रमादित्य सिंह के साथ उनकी मां और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी दावा किया कि कांग्रेस की नीतियों के साथ राज्य की बेहतरी को देखना भी जरूरी है। हमें पार्टी का आदेश का पालन करना है और उसके मुताबिक स्टेट को भी देखना है कि स्टेट हमारा किस तरीके से फ्लरिश करे, किस तरीके से हम आगे बढ़े। वहीं नेम प्लेट पर जारी विवाद के बीच बीजेपी ने दावा किया कि इस पर कांग्रेस के अंदर मतभेद साफ दिख रहा है। फटकार के बाद ही ना विक्रमादित्य सिंह जी के तेवर बदले हैं और अब तो धनीराम जो एक मंत्री है उनके, और धनीराम शांडिल ने भी समर्थन कर दिया है विक्रमादित्य जी का। देश की राजधानी दिल्ली गोलियों की आवाज से गूंज उठी। पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों में फायरिंग हुई और फिरौती की मांग की गई। पहला मामला दिल्ली के नारायणा इलाके का है, जहां कल शाम एक कार शोरूम में कुछ बदमाश घुसे और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों के फायरिंग करने का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में नकाब पहने कुछ बदमाश शोरूम में दाखिल हुए और फिर वहां गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। फायरिंग शोरूम के अंदर खड़ी गाड़ियों और फर्नीचर पर की गई। साथ ही बदमाश धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। शूटर एक पर्ची भी शोरूम में फेंक कर गए। जानकारी के मुताबिक नारायणा में हुई इस फायरिंग में हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर और बदमाश शामिल हैं। बताया गया कि गैंग का सरगना हिमांशु भाऊ फिलहाल अमेरिका में है।
दूसरी घटना दिल्ली के महिपालपुर इलाके की है, जहां एक होटल पर फायरिंग की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक होटल मालिक को कुछ समय पहले एक्सटॉर्शन के लिए कॉल भी किया गया था। जबकि तीसरी घटना दिल्ली के नागलोई इलाके में घटी, जहां एक राशन की दुकान पर गोली चलाई गई। यहां भी पुलिस को गैंगस्टर के नाम की एक पर्ची मिली। 24 घंटे के अंदर तीन अलग अलग जगहों पर हुई फायरिंग के बाद दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि पुलिस फायरिंग की घटनाओं को लेकर छानबीन में जुट गई। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद और वक्फ बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिमला में हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही अवैध संजौली मस्जिद के खिलाफ आवाज उठाई। लैंड जिहाद और वक्फ बोर्ड को निरस्त करने की सरकार से मांग उठाई और कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, संजौली मस्जिद को सील कर दिया जाना चाहिए। एक तो पहला विषय है, हम केंद्र सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है इसे निरस्त किया जाए, भंग किया जाए। दूसरा विषय जो ये एक समुदाय विशेष के लोग लैंड से हाथ जो चल रहा है पूरे भारत में, इसको लेके हम सरकार को सचेत कर रहे हैं। तो वहीं नाहन में भी हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरे और अवैध घुसपैठ के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल शिमला के संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जिस पर 5 अक्टूबर को नगर निगम कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेबनान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हिजबुल्ला के नए चीफ का ऐलान, हाशिम सफीदीन होगा ये ऐलान किया गया। नया नाम ये होगा, नया चीफ हसन नसरल्ला का भाई है और हाशिम इसराइल के हमले में मारा गया है। नसरल्ला लेबनान पर इजरायली रॉकेट मौत बनकर गिर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को मार गिराया। नसरल्ला अब दुनिया को डरा नहीं पाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक करके इजरायली सेना ने नसरल्ला को मार गिराया। इस हमले में हिजबुल्ला कमांडर अली करची भी ढेर हुआ है। IDF की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायली हमले में नसरल्ला की बेटी जैनब की भी मौत हुई है। इजरायल के वायुसेना ने हमले का पूरा ब्यौरा देते हुए बताया कि यह हमला उस वक्त किया गया जब हिजबुल्ला के बड़े नेता हेडक्वार्टर में इजरायल के खिलाफ आतंकी कार्रवाई की योजना बना रहे थे। इसराइल के मुताबिक पिछले 32 साल में नसरल्ला कई इजरायली नागरिक और सैनिक की हत्या के लिए जिम्मेदार था। जिस वक्त IDF ने लेबनान में ऑपरेशन को अंजाम दिया, उस वक्त IDF के बड़े अधिकारी वार रूम में IDF के ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। इधर हिजबुल्ला चीफ के खात्मे और लेबनान पर इसराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने OIC की आपात बैठक बुलाई। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने जल्द से जल्द इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं को बुलाया है। उधर इजरायली सेना ने साफ किया है कि जो भी इजरायल के लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उन सभी का अंजाम भी नसरल्लाह जैसा भी होगा। मिडिल ईस्ट में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायल ने सबसे खतरनाक हमला किया। लेबनान में इजरायल के एयर स्ट्राइक से भारी तबाही हुई। इजरायल ने साउथ बेरूत पर दर्जनों बम बरसाए हैं और इस बमबारी में 6 की मौत हुई और 91 घायल हुए हैं, जबकि हिजबुल्ला के ठिकाने ध्वस्त हो गए और 2 कमांडर भी मारे गए। इजरायली सेना ने बेरूत की दही जिले में हिजबुल्ला की गढ़ को बमों से हिलाकर रख दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत इजरायल की एयर स्ट्राइक से दहल गई। एक के बाद एक मिसाइलें गिरी और धमाके के साथ पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। इजरायल ने बेरूत की दही में हिजबुल्ला के मुख्य सैन्य हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजरायल ने इस हमले में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसमें हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला के बंकर होने की खबर भी सामने आई। इजरायल का हमला इतना खतरनाक था कि जहां इमारत खड़ी थी वहां बाद में गहरा गड्ढा बना दिखाई दिया। हमला तब हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे। इस हमले में 6 इमारतें तबाह हो गई। इजरायल की सेना ने इस हमले की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया जारी है। एक बार फिर कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आज 2 आतंकियों को मार गिराया, जो 1 अक्टूबर को होने वाली तीसरे फेज की वोटिंग से पहले बड़ी कामयाबी मिली।
वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर के दौरान 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए। घायलों में 3 सेना के जवान और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान शामिल है। सुरक्षा बलों को शुक्रवार देर रात अरिगाम इलाके में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना, पुलिस और CRPF समेत सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में इंडियन आर्मी के जवानों ने आतंकियों को घेर कर गोलीबारी की और 2 आतंकियों को मार गिराया। देर रात सुरक्षा बलों को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट जो अड़ीगाम कुलगाम देवसर एरिया में है। तो जब उस इनपुट को जब फॉलो कर रहे थे तो उसी दौरान एक जगह पर इनका गोलियों का तबादला हुआ। जब सुरक्षा बलों की टीम जब पास पहुंच रही थी तो अंदर से गोलियां आईं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 3rd और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले इन आतंकियों का सफाया कई मायनों में बेहद अहम है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। शरीफ के भाषण में भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का डर दिख रहा था। साथ ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले की भी बात कही। UNGA में शहबाज शरीफ ने एक तरफ कश्मीर राग अलापा तो वहीं भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को अपने लिए बड़ा खतरा भी बताया। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत बार बार POK छीनने की धमकी देता है तो दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। Even more worryingly, it is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. Its war doctrines envisage a surprise attack and a limited war under the nuclear overhang. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threaten to cross the line of control and take over Azad Kashmir. UN में भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा और उसके प्रोपेगेंडा का करारा जवाब दिया है। For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. पाकिस्तान फिर देशव्यापी आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के समर्थक रावलपिंडी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। ये तस्वीरें रावलपिंडी शहर के बाहर की है, जहां एक तरफ इमरान खान के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ शहबाज की फोर्स खड़ी है। PTI समर्थकों को रोकने के लिए देखा जा सकता है किस तरह रावलपिंडी शहर को जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। और तो और, पुलिस भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। पंजाब सरकार ने रैली के मद्देनजर धारा 144 के तहत सभी प्रकार की सभाओं, रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और हथियार प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इमरान समर्थकों की भीड़ शहर के मुहाने पर खड़ी है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट के बाद विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब हिंदू संगठन देश भर के मंदिरों को सरकार और ट्रस्ट से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। UP के मुरादाबाद में भी VHP और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरे VHP कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा और राम नाम का पाठ किया, साथ ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद यूपी के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। सैकड़ों की संख्या में उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने देश भर के हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग की और कहा कि मंदिरों को मठों, संतों और शंकराचार्यों को सौंपा जाए, नहीं तो आगे और भी ज्यादा प्रदर्शन होगा। अपने 4 लाख सनातन धर्म के मंदिर हैं देश के अंदर, उनको तत्काल नियंत्रण मुक्त करने के लिए। हिंदू संगठनों ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष गैर समुदाय से होने पर भी सवाल खड़े किए और प्रसाद में मिलावट की वजह इसी को बताया। आप बोले उस ट्रस्ट का ट्रस्टी अध्यक्ष कौन है? वो ईसाई है, लेडी ईसाई है, तो क्या होगा उसकी हिंदू धर्म में क्या आस्था है? आस्था किसकी है? आस्था उसकी नहीं है ना, ऐसी चर्बी खाओगे। मुरादाबाद की तरह देश के कई राज्यों में हिंदू संगठन इसको लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं और मंदिरों को संत, मठों और शंकराचार्यों को सुपुर्द करने की मांग उठ रही है।
भारत की सांस्कृतिक विरासत पर भले ही हमारे देश के कुछ लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन विदेश से आए लोग हमारी संस्कृति पर काफी दिलचस्पी रखते हैं। 43 विदेशियों का एक ग्रुप आंध्र प्रदेश के एक मंदिर पहुंचा। इन लोगों ने मिलकर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कनिपकम वर सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन किए। पॉजिटिव वाइब, गुड फील जैसे अंग्रेजी शब्दों को अपनी आंखों से देखने और महसूस करते करते ये लोग भी सनातन संस्कृति में ढल गए। यहाँ विदेशी महिलाओं ने साड़ी दुपट्टा पहनकर माथे पर बिंदी लगाई थी, तो उनके साथ आए पुरुष कुर्ते के साथ सनातन संस्कृति की गुड वाइब्स को अपने अंदर महसूस कर रहे थे। तैतालीस लोगों के इस ग्रुप में रूस, जर्मनी और कनाडा के नागरिक शामिल थे। ये सभी लोग भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से काफी प्रेरित नजर आए। विनायक मंदिर के प्रशासन ने भी इन विदेशी श्रद्धालुओं को निराश नहीं किया। भगवान के दर्शन के लिए इन्हें खास व्यवस्था दी गई। मंदिर से वापस जाते वक्त सभी को विशेष प्रसाद भी दिया गया। आए दिन चर्चा में रहने वाला मदरसा बोर्ड एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है मदरसा बोर्ड से जुड़ा एक घोटाला। मामला राजस्थान का है। राजस्थान मदरसा बोर्ड पर ड्रेस घोटाले की आरोप लगे हैं और ये दावे हवा हवाई नहीं बल्कि आंकड़े भी घोटाले की गवाही दे रहे हैं। वो कैसे ये भी समझ लीजिए। राजस्थान की मदरसों में कुल 1,30,000 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि बोर्ड ने कुल 2,08,000 ड्रेस खरीद कर बच्चों को बांट दी। अब सवाल ये है कि जब 2,00,000 बच्चे मदरसों में पढ़ते ही नहीं तो किन बच्चों को ये ड्रेस बांटी गई है। दरअसल मदरसा बोर्ड ने राज्य के 3,699 मदरसों को करीब 5 करोड़ का भुगतान कर दिया। ये पैसे 2,08,000 बच्चों की ड्रेस के लिए दिए गए, जबकि मदरसों में इतने बच्चे पढ़ते ही नहीं। अब इसको लेकर जाँच के आदेश दिए गए हैं। कोलकाता में एक मरीज की मौत के बाद उसके घर वालों ने मेडिकल स्टाफ की पिटाई कर दी। करीब 20 लोगों ने अस्पताल के अंदर घुसकर के जूनियर डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी भी की। मरीज की मौत के बाद डॉक्टर को ढूंढते हुए दो लड़के फोर्थ फ्लोर तक पहुंच गए। इधर पीछे पीछे उनके पुलिस और अस्पताल स्टाफ भी आ गए। बताया गया कि इन दोनों के साथ 20 लोग अस्पताल में घुसे थे। इन लड़कों से पहले मरीज के साथ आई एक महिला ने भी आपा खो दिया था। हाथ में चप्पल लेकर वो अस्पताल में घूम रही थी। जैसे ही उसने जूनियर डॉक्टर्स को देखा, उन पर चप्पल बरसाना शुरू कर दिया। मरीज के घर वाले पहले से ही अस्पताल से नाखुश थे। जब इस महिला के बच्चे का इलाज चल रहा था, उस वक्त भी इसने डॉक्टरों से बहस की थी। पेशेंट के घर वालों के ऐसे रवैये की वजह से सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया। अब वो अपनी सुरक्षा को लेकर धरना दे रहे हैं। क्या भभूत लगाने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? क्या जहां विज्ञान फेल हो जाए वहां भभूत से चमत्कार संभव है? क्योंकि राजस्थान के धौलपुर में एक मंदिर के बारे में ऐसा ही दावा किया गया है। धौलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद विशी निगरी बाबा का मंदिर, यहाँ कोई माथे पर भभूत लगा रहा है तो कोई कपड़े से पेट सेक रहा है, लेकिन हर किसी की उम्मीद बस यही है कि चमत्कार हो जाए और वो ठीक हो जाए। थोड़ा फुंसी भगंदर और कैंसर वाले लोग आते हैं और बाबा की भभूति से ही ये लोग सही होकर के जाते हैं। कहा जाता है विशी निगरी बाबा का मंदिर 250 से 300 साल पुराना मंदिर है। ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ पर कैंसर, गांठ, त्वचा संबंधित बीमारियों का इलाज भभूति लगाकर किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार की बीमारियों का निवारण होता है। जो डॉक्टर कैंसिल कर देते हैं वो बीमारियों का इलाज यहीं पर होता है। विशी निगरी बाबा मंदिर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तमाम राज्यों के लोग कैंसर और त्वचा संबंधित बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं। यहाँ रहना और खाना पीना सब फ्री है। लेकिन भभूति वाली विधि से क्या सच में कैंसर दूर हो सकता है, ये तो बाबा जाने और उनके भक्त।
रियल लाइफ में आपने अक्सर देखा होगा कि एक महिला कई लोगों से शादी करती है और उनके पैसे लेकर के फरार हो जाती है, लेकिन अब रियल लाइफ में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक शख्स एसपी ऑफिस में पहुंचा और गुहार लगाई, साहब मुझे मेरी पत्नी से बचा लीजिए। ये है फूलचंद कुशवाहा। इनका आरोप है कि शादी के 10 साल बाद इन्हें पता चला कि इनकी धर्म पत्नी के पहले ही 5 पति थे जिन्हें वो ब्लैकमेल करके छोड़ चुकी हैं। आरोप है कि इनकी पत्नी फिर बेवफा हो गई और वो सलमान नाम के युवक के साथ साजिश रचती है। एसपी ऑफिस में चल रही जन सुनवाई में फूलचंद कुशवाहा ने गुहार लगाई और चौंकाने वाली बात बताई। फूलचंद के मुताबिक उनकी पत्नी के कई पति हैं और न सिर्फ उसने कई शादियां की हैं, बल्कि उसने अपने सभी पतियों पर केस भी कर रखे हैं और अब वो मुझे भी ब्लैकमेल कर रही है। वो मुझे फंसाने की बात कह रही है, मुझे इससे बचा लीजिए। मेरी पत्नी है, उसने पहले से ही 4-4, 5-5 शादियां कर रखी थी, तो मैंने उसके खिलाफ में आवेदन दिया था एसपी सर को बहुत 2-3 महीने पहले, तो उस पर FIR भी हो चुकी है 420 की। इसके बाद जब से उसके ऊपर FIR हुई है, जब से मुझे परेशान कर रही है, अभी हाल ही में उसने 19 तारीख को मेरी एक भारी FIR कर दी। पत्नी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद फूलचंद को न्याय की उम्मीद बंधने लगी, तभी मामले में नया मोड़ सामने आ गया। फूलचंद की पत्नी ने भी उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। जैसे ही फूलचंद को इसका पता चला, वो एक बार फिर एसपी ऑफिस गुहार लगाने पहुंचा, जिसके बाद एसपी ने सही जांच कराने का आश्वासन दिया। फूलचंद का कहना है कि अगर ऐसे ही मेरी पत्नी मुझे प्रताड़ित करती रहेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हरियाणा के सोनीपत जिले में बड़ा हादसा हुआ, जहां सोनीपत के रिठाऊ गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिससे पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई। ये वीडियो धमाके के बाद का है। ऐसा लग रहा है मानो सालों से ये मलबा पड़ा है, जबकि यहां एक इमारत हुआ करती थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई गई है। जानकारी के मुताबिक धमाका एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इस भीषण हादसे में 2 महिलाओं और एक बच्चे की मौत की खबर है, जबकि 7 लोग बुरी तरह जख्मी हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रिढ़ाऊ गांव में घर के अंदर अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। फैक्ट्री में 10 से 12 लोग काम करते थे। सुबह करीब 9:30 बजे यह हादसा हुआ है। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में भी पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। हादसा सत्तूर इलाके में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना तेज था। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो अपराधियों के मन में एनकाउंटर का खौफ रहता है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार की सख्ती से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जब जेल से छूटते हैं तो रील बनाने लग जाते हैं। पतले दुबले से ये नए नए गैंगस्टर जेल से बाहर निकलते ही रील के जरिए अपने चुटभैया समर्थकों को आगाह कर रहे हैं कि इनका बॉस आ गया है। कुछ ऐसे भी हैं जो पेशी में जाते वक्त भी रील बनवा रहे हैं। ये सब कुछ बहराइच जिले में हो रहा है। बहराइच के जिला जेल से बाहर आए एक बदमाश ने रील बनवाई। अपना सामान लेकर जिला जेल से जैसे ही ये लड़का बाहर निकला, बाहर इसके इंतजार में खड़े लड़के खुशी से झूम उठे। उनकी आंखों में प्रायश्चित नहीं बल्कि एक हीरो वाली फीलिंग दिख रही थी। ये सभी लड़के एक ही कैटेगरी के समझ आ रहे थे। इसी तरह इस दूसरे रीलबाज बदमाश ने 2 पुलिस वालों के साथ चलते चलते रील बना ली और बकायदा इसके साथियों ने आंखों में चमक के साथ इसे बहराइच का बड़ा गैंगस्टर दिखाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में घर की बाउंड्री वॉल को पार करके एक भालू अंदर आ गया, जैसे कोई चोर चोरी छुपे घर में घुसा हो। ठीक उसी तरह एक घर के अंदर भालू घुस गया था। ये भारी भरकम भालू घर की दीवार को फांदने की फिराक में है। अगले कुछ सेकंड में इसने ये काम बड़ी आसानी से कर लिया। यहाँ एक कंफ्यूजन है, ये भालू घर के अंदर नहीं जा रहा बल्कि घर से बाहर निकल रहा है। घर के अंदर तो ये पहले ही जा चुका था, वहाँ इसने अपने खाने पीने की चीजों की तलाश की और फिर जब कुछ नहीं मिला तो चुपचाप दबे पांव घर की दीवार को फांद कर वहाँ से निकल रहा है। चाबी से। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की कांकेर जिले के ठेल का बोड़ इलाके में ये भालू खाने पीने की तलाश में आया था। भालू के दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल तो बन ही गया, लोगों ने वन विभाग को भी खबर दे दी। हालांकि कांकेर के लोगों के लिए भालू कोई नई चीज नहीं है। जिले में कई बार रिहायशी इलाकों में भालुओं को देखा गया है। सोशल मीडिया पर भालुओं की कई वीडियोस वायरल हैं।
दो साल पहले एक भालू किसी की शादी के स्टेज तक पहुंच गया था। वहीं एक जगह पर भालू किसी के घर की बाड़ी तक आ गया था। एक तरफ जहां देश में रेल हादसे सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बन गए हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। देश के सबसे व्यस्त दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर बैठकर ये महिला कर्मचारी लूडो गेम खेल रही है। इनके पास जाकर जब एक शख्स ने इनके गेम को रिकॉर्ड किया, तब इनका तर्क भी अजीब था। का करे तो लूडो ना खेले तो का करे, अरे ड्यूटी कर रहे लाइन पे। ट्रैकमैन की नौकरी कर रही महिला कर्मचारी पर पटरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन दावा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान वो मोबाइल पर गेम खेल रही थी। बताया गया कि ये चारों कर्मचारी पटरी के मेंटेनेंस के काम के लिए गई थी और उसी दौरान वो पटरी पर बैठकर लूडो खेलने लगी। का करे तो लूडो ना खेले तो का करे, अरे ड्यूटी कर रहे लाइन पे। एक तरफ जहां रेलवे अपनी सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में है, तो दूसरी तरफ देश के सबसे व्यस्त रेलवे लाइन पर काम कर रही कर्मचारियों का यू गेम खेलना सही नहीं माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक पुलिस वाले ने इतनी शराब पी ली कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वर्दी पहने हुए वो पुलिस वाला सड़क पर पड़ा हुआ था और वहाँ मौजूद लोग इसका वीडियो बना रहे थे। फोन की फ्लैशलाइट में लोग उसके नेम प्लेट पर फोकस करते हुए उसकी पहचान को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक स्टार वाले इन एएसआई साहब को इतना भी होश नहीं था कि वो किसी को अपनी पहचान बता पाए। इतना कहाँ पी लिया बाल्टी में? ओ भैया, ओ भैया, हेलो साहब। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना में ड्यूटी कर रहे एएसआई जगत मणि के मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे। हेलो, देखिए का? अरे ऊपर देखिए ऊपर। हेलो, मध्य प्रदेश पुलिस है यहाँ। देखना होगा पुलिस विभाग इस वायरल वीडियो को देखने के बाद अपने एएसआई पर क्या एक्शन लेता है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है। बारिश के बाद आई तबाही में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के साथ ये पानी भी लोगों को डराने के लिए काफी है। पशुपति के पास बागमती नदी उफान पर है। हालात ये हैं कि ये पानी किसी भी वक्त इन लोगों पर मुसीबत बनकर टूट सकता है। नेपाल की मीडिया के मुताबिक बाढ़ में दर्जनों लोगों की मौत के साथ 11 लोग लापता भी हैं। पानी की इतनी तेज धार पशुपति के पास शायद पहले कभी नहीं देखी गई हो, लेकिन फिलहाल भारी बारिश के बाद ये तेज बहाव लोगों को बाढ़ की भयानक त्रासदी में डाल रहा है। नदियों में तेज बहाव की वजह से काठमांडू में 226 मकान लापता हो गए हैं। इसी तरह रोशी नगर पालिका में भी भूस्खलन की वजह से कई घर खाई में गिर गए। पहले ये हरा घर, फिर चार मंजिलों वाला ये सफेद घर, दोनों ही ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरे और कुदरत के प्रकोप के आगे बेबस होकर लापता हो गए। जाहिर है अपनी आंखों के सामने ऐसे घरों को गिरता देख लोग डर गए थे, इसी वजह से उनकी चीखें निकल रही थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू भी बाढ़ से अछूती नहीं रही। वहां के कई इलाकों में जलभराव हो गया। गाड़ियां भी इसी जलभराव से होकर गुजरने पर मजबूर हैं। Zee News.